वेलकम टू स्टडी आई क्यू आम अमित वरे दि दिस इज द आर्ट एंड कल्चर सीरीज आर्ट एंड कल्चर में वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू विद यूजिंग नितिन सिंघानिया एज अ बेस ऑल्सो हमारा फोकस है जो इलेवेंथ क्लास की द इंट्रोडक्शन टू द आर्ट की जो एन सी आर टी है उसको करना इफ यू आर एबल टू डू दीज टू बुक्स एन सी आर टी और नितिन सिंघानिया बहुत अच्छी तरह से अगर इसको कर लिया जाए तो मोर और लेस आपसे प्रिलिम्स का ज फार एज द आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न ऑल्सोल्सो उसके साथ एक एडिशनल सप्लीमेंटल बुक जो कि एंशंट इंडिया की हिस्ट्री की जो बुक है इफ दीज थ्री बुसन तो आर्ट एंड कल्चर के मोर देसेंट ऑफ क्वेश्चन शेल बी ईजीली भी एबल टू डर जो सुपर डिफिकल्ट सुपर डीप में जाएंगे सिर्फ वो में प्रॉब्लम आ सकती है ना हो नितिन सिंह हानिया एन इन जनरल जो यूजली हम किसी भी आर्ट एंड कल्चर को बुक को उठाते हैं द फर्स्ट टॉपिक विच वी स्टडी इज अबाउट द आर्किटेक्चर बट द मेजर जो आर्ट एक्चुअली में जो विजुअल आर्ट का जो सबसे अमेजिंग वाला यू नो जो सबसे फैसिनेटिंग सा जो पैरामीटर होता है विच टेल्स यू मोर अबाउट द सोसाइटी देन एनीथिंग एल्स इज आर्किटेक्चर

आज का हमारा फोकस रहेगा बारहवीं सदी से सत्रहवीं सदी तक जो हमारे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी सी पॉपुलर बिल्डिंग्स बनी हैं जिनमें से आपको बहुत सारी मालूम है याद है एंड आई एम श्योर कि इन सारी बिल्डिंग्स में से एक ना एक आपने डेफिनेटली विजिट भी किया 100 परसेंट इफ इट कम्स टू आर्किटेक्चर दर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपने जो सबसे ज्यादा क्लोजली अगर कोई आर्किटेक्चर देखा है तो दैट वुड बी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आज हम उसी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच अडो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द डे एंड बिलीव मी

At the border of India, right? Border of the uh, old India, also, just Pakistan included. Tha. बट द थिंग इज दैट कि उसके बावजूद भी इट टू मोर देन 400 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड इस इंडो जब इस्लामिक इन्वेजन इंडिया के अंदर डोमिनेट करने लगी एंड सिंस द द्थ सेंचुरी हमें मेडिवल हिस्ट्री पूरी की पूरी पता ही है अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा बेसिक तो हमको आइडिया है कि ट्वेल्थ सेंचुरी एडी से लेकर अराउंड एटीन हंड्रेड सेवनटीन फिफ्टी तक जो हमारे देश में जो प्राइमरली पॉलिटिकल गवर्नेंस थी दैट वॉज अंडर द इस्लामिक रूलर्स सेंचुरी एडी में पहली बार डेली वॉज ऑक्युपाइड बाय एन इस्लामिक रूलर उससे पहले अगर हम देखें तो जो ओल्ड रूलर्स थे वो स्पेसिफिकली कंट्री वाले ही रूलर्स थे दीज वर द रूलर्स इस्लामिक रूलर इन द सेंस जो कि हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर्स को क्रॉस करके इंडिया में आते हैं एंड देन दे स्टेयर परमानेंटली उसके बाद वो यहीं रहते हैं

वट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इस्लाम इज दैट की स्कल्पचर इज मोर लेस ब्लास्फीमियस आप जो भी आर्किटेक्चर देखोगे इंडो इस्लामिक स्कल्पचर मिसिंग डोट डू स्कल्पचर दे डोन्ट पुट ह्यूमन फिगर्स ऑन द बिल्डिंग्स दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग टू से द लीस्ट यू नो जस्ट टू थिंक अबाउट इट की वो ह्यूमन की इमेजेस को अपने आर्किटेक्चर में पुट ही नहीं करना चाहते बट बिफोर दिस ह्यूमन की इमेजेस गॉड्स की मिथोलॉजिकल क्रीचर्स की ह्यूमंस की एम्परर्स की जो ह्यूमन फॉर्म थी उसको शो करना उसको स्कल्प करना वाज़ द इपीटमी ऑफ द आर्ट वाज़ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द आर्ट वेर इज वैन द इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक बिगिनस इन इंडिया आर्किटेक्चर टेक्स अ शार्प टर्न अवे फ्रॉम दी स्कल्पचर आई एम एब्सोल्यूटली इंडीड उन्होंने स्कल्पचर को शिफ्ट करके बेसिकली दे शिफ्टेड टू कैलीग्राफी ऑर्नामेंटेशन यूजिंग इनले वर्क अभी क्या होता है इनले बिल्डिंग के अंदर कैसे कैसे अंदर नक्काशी की जाती है विल डिस्कस अबाउट दिस टू टू इंट्रोड्यूस रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द न्यू रूलर्स इस्लाम के अंदर भगवान की और ह्यूमन फॉर्म्स को बनाने की थोड़ी सी प्रेफरेंस नहीं है ठीक है दिस इज नॉट इज अ वेरी लेस प्रेफरेंस सो यू विल नेवर सी इस्लामिक आर्टिफेक्ट और इस्लामिक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग जहाँ पे ह्यूमन फॉर्म्स होती हैं जहाँ पे ह्यूमन स्कल्प होते हैं गॉड के स्कल्प्स होते हैं इट्स नॉट पॉसिबल बट द थिंग इज दैट कि किसी भी चीज को जब कम्प्लीटली नहीं मिटाया जा सकता द थिंग इज दैट की रूलर्स जो थे जो इन्वेडर्स थे वो तो बाहर से आए थे बट जो आर्टिशंस थे जो स्कल्प्टर्स थे देवरदे

those also remains so. स्टडिंग दी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई नए फीचर्स नए ओल्डर वाले हमें ऑटोमेटिकली पता ही है अब यहां पर स्पेसिफिकली जो पर्शियन स्टाइल था वो इंडियन स्टाइल से मिक्स हो गया एंड दोनों के दोनों मिक्स हैं तो इसीलिए जब भी जो ट्वेल्थ सेंचुरी सेवन सेंचुरी के बीच में जब आर्किटेक्चर होता है उसको कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या फिर इंडो सेनिक आर्किटेक्चर सेम वर्ड है सिनोनी एक दूसरे के दो अलग अलग डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का अलग अलग नाम है ठीक है we'll come to that और वो चीज हमें याद रखनी है, है, ठीक है? इल्थुत्र, इल्थुत्र जो है उसके आर्किटेक्चर को मामलूक आर्किटेक्चर कहते हैं क्योंकि उनको भी मामलूक कहा जाता था इट्स नॉट लाइक कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है इसमें स्पेसिफिकली कुछ हम फीचर्स देखते हैं एंड देन स्पेसिफिकली स्टडी पर जो डायनेस्टीज थी थोड़ा सा मेडिवल इंडिया की क्रोनोलॉजी भी आपको इस इस लेक्चर के द्वारा याद हो जाएगी ओके सी सबसे पहले एंड दिस वाज न्यू दिस वाज न्यू टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट द यूज ऑफ आर्क एंड द डोम्स गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड

हमें एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से उससे पहले वी वर नॉट एक्चुअली फाउंड ऑफ हमारे देश में ऐसे बनाए नहीं जाते थे डोम्स डोम्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इट वॉज नोन एज आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रिप्लेस बाई ट्रेडिशनल ट्रेबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये दोनों के दोनों शब्द

ज इट देखो इस फोटो से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये या लकड़ी की हो या पत्थर की हो ठीक है ये जो स्टोन की जो कड़ी लगती है, या जो लकड़ी की कड़ी लगती है आपके घर में अगर पुराने गांवों में कभी जाओगे गांव में कभी रहते होगे, आपने देखे होंगे सबने देखा समथिंग की कुछ नई चीज है तो जो लकड़ी की कड़ी लगी रहती है वो ट्रेबियट दिस इज नोन एज ट्रेबियट दैट इज इट और कोई तरीका और कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और जो ये आर्क वाला सिस्टम होता है इसको कहते हैं आर्कुएट इजिल आइडेंटिफाइड बाई दी ट्रेबिएट का मतलब इंग्लिश वर्ड है कड़ी जो लकड़ी की या लोहे की जो कड़ी होती है उनको बेसिकली तो वो जो पहले था ना वो शिफ्ट होके हमारा इंडो इस्लामिक बिल्डिंग्स जो होंगी जो दरवाजे होंगे उनमें ये आप ऐसी आर्क देखना स्टार्ट करोगे अब देखो यार यहां पे हिस्ट्री इज इट जस्ट इट इज अमेजिंग एक्चुअली महरोली दिल्ली में जो इस समय रखा हुआ है ये बना था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गुप्ता डायनेस्टी के समय में पंद्रह सौ साल से जंग नहीं लगा यही बात मतलब देख के हम खुश हो जाते कि, और ये कैसे किया इन्होंने और उसी के साथ साथ ये मुगल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल सॉरी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर और दोनों के दोनों साथ हैं युकिंग at the Gupta architecture through the arc of the Indo-Islamic architecture. History does create situations which are almost impossible to imagine. Acha, sabse pehle Islamic rulers ne introduce kiya the use of minars around the mosque and the mausoleums. जैसे कि हमारे देश में इंडिया में जो होता था इंडिया में specifically जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे जो religious belief हैं वो ये हैं कि हम दोबारा जन्म लेते हैं We बिलीव इन द थियोरी ऑफ द रीबर्थ तो अगर हम रीबर्थ में जन्म लेते हैं तो हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है कि सोल और जो बॉडी है वो अलग होती है गीता कहती है कि बॉडी तो कपड़ों की तरह है जो कि सोल बदलती रहती है सो दिस बॉडी इज एक्चुअली ऑफ नॉट वेरी हाई इंपॉर्टेंस इन इंडियन कल्चर हमारे जो यहाँ के धर्म है उनमें इंडियन कल्चर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए सिर्फ इसका ये मतलब है कि एक बार आत्मा के लिए ये कपड़े बदलने की तरह है तो जब जीवन का समय पूरा जब बॉडी का समय पूरा हो जाता है तो इट लेट गो तो हम उसको जला के गंगा में विसर्जित कर देते हैं बिकॉज द बॉडी इट इज नॉट ए बॉर्डर बट इस्लामिक एंड द क्रिश्चियन जो कल्चर है जो उनके आइडियाज है उनके आइडिया में रीबर्थ नहीं है रिसरक्शन है रिसरक्शन का मतलब कि यू डाई वंस ओके एंड देन देर इज ए फाइनल जजमेंट डे दोनों के दोनों में एक कयामत का दिन है और क्रिश्चियन में जजमेंट डे है उस जजमेंट डे वाले दिन उस कयामत डे वाले दिन आ, सारी की सारे जितने भी जो लोग आज तक जिए थे पहले वो वापस उठेंगे और भगवान सब उनको जो उनके कर्मों का फल होगा वो देगा एंड डिपेंडिंग ऑन दे हैव डन द गुड डीड्स और द बैड डीड्स वो बेसिकली उनको हैवन या हेल मिल जाएगा बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि द बॉडी विल बी द सेम इन द इस्लाम एंड इन द्रिश्चियन था बॉडी सेम ही मिलती है दैट्स वाई दे प्रिजर्व दॉडी दे एक्चुअली बरी दॉडी वो बॉडी को बरी करते हैं वाई क्योंकि जिस दिन जजमेंट डे होगा दैट बॉडी विल बी एक्चुअली रिट्रीव्ड बाई दॉड यू विल इन दैट बॉडी एटर्नली तो ये जो दोनों के दोनों बिलीव्स हैं उसके बिलीव्स के बेसिस पे ही देर आर थिंग्स जिससे कई सारी अब क्योंकि वहां पे सेविंग दॉडी बॉडी बॉडी को बरी करना होता है ह्यूमन बॉडी को डेथ के बाद तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो वो मोजोलियम यानी कि मकबरे बना देते हैं जो बड़े एम्परर या एम्प्रेस जो होती हैं समथिंग लाइक like, जैसे जो पिरामिड में जो किया करते थे जो इजिप्शियन करते थे ममीज के साथ वहाँ पे भी आफ्टर uh, डेथ के डेथ uh, के आफ्टर जो बिलीव्स हैं आफ्टर डेथ जो बिलीव्स है उसमें बॉडी की बड़ी इंपॉर्टेंस है सो दे ऑल्सो यूज टू सेव बॉडीज क्यों क्योंकि उनको लगता था कि जब जो एम्पर है जब मर के दूसरे आफ्टर वर्ल्ड में जाता है यू you नो know, जो डेथ के बाद जो वर्ल्ड होती है तो उसमें उसको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ही नीड द सेम बॉडी और वहाँ उसमें गहरे जवाहरात भर दे गहने जवाहरात द थिंग्स विच दे बिलीव विल बी नीडेड बाई द एम्पर आफ्टर दी डेथ वो मम्मी के साथ रख देते दे थे सी अच्छा दिस इज और अच्छा इस इंटरेस्टिंग फिनमिना की एक और बात बताता हूं रिलीजियस बिलीवस जो कि हमें इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं सो इंपॉर्टेंट यू नो देर पार्ट ऑफ सोसाइटी देयर पार्ट ऑफ कल्चर देयर पार्ट ऑफ अवर लाइफ सो इंपॉर्टेंट यूर एब्सोल्यूटली पैशनेट अबाउट दैम यू कॉन्ट एक्चुअली चेंज इट इवन इफ यू अगर आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तुम उसके बाद भी चेंज नहीं कर सकते हो इफ यू आर बॉर्न अ हिंदू एंड लेट से कि आप सोचें कि ये आफ्टर डेथ में मैं यकीन नहीं रखता हूँ या मैं एथिस्ट हूँ एंड दिस बॉडी ये वो मुझे आइडिया नहीं पता है बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ों पर यकीन नहीं है उसके बावजूद भी इफ एंड वेन इट विल हैपन की अगर आपकी मृत्यु होती है तो योर फैमिली विल नॉट एक्चुअली बरी योर बॉडी रादर दिल एक्चुअली बर्न इट अच्छा ये इंटरेस्टिंगली जोग्राफी पे भी डिपेंड करता है यू नो वाई Imagine कि इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी के जो दोनों के दोनों रिलीजन है जो धर्म हैं वो जनरेट हुए हैं अरब एरिया में ओके okay? और हिंदुइज्म जो है वो हमारे गंगा और इंडस वैली प्लेन्स में uh, जनरेट हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड ईयर्स टेल मी दिस डिफ्रेंस इन जोग्राफी ज बेसिकली द रीजन वाई इन दोनों के रिलीजियस बिलीफ अलग है वाई सी इंटरेस्टिंग बात है ध्यान से सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग है जो इंडस वैली प्लेन है जो गंगा वैली प्लेन है दीज प्लेन्स हैल थाउजेंड ईयर्स पिछले दस पंद्रह हजार सालों से ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स रहे हैं यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर पेड़ पौधे फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा है सो so जो जनरेश जो कल्चर जो ह्यूमन सोसाइटीज यहां पे रहती है दे रियलाइज कि दिस लैंड विच इज देयर इट इज फर्टाइल एंड एनहेंस दैट लैंड इज वेरी नेसेसरी वो लैंड उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है एंड क्योंकि यहां पर बड़ी सारी सी नदियां हैं तो जो वाटर फ्लोइंग है इसकी वजह से हमने उस लैंड को यूज ना करके कब्रिस्तान की तरह उसको ना यूज करके शमशान घाट की तरह यूज़ किया ताकि हम बहुत मिनिमल एरिया के अंदर जो आफ्टर डेथ रिचुअल्स हैं उनको कर सके एंड द लार्जर पार्सल्स ऑफ द लैंड कैन एक्चुअली बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर एंड एनहेंस यूजअली ये रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो की जाती है बट इफ़ यू गो इन द अरब एरिया जहां पे इस्लाम का और जहां पे क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ है इन दैट एरिया जो सबसे चीज़ की कमी है वो है पानी की और लकड़ी की यू नो द फॉरेस्ट आर वेरी लेस इट्स रेगिस्तान का एरिया है वहां पे किस चीज की कमी नहीं है लैंड की तो जब पानी की कमी होगी और जब लकड़ी की कमी होगी तो यू एक्चुअली कैन नॉट हैव अ सिस्टम वेर यू बर्न द डेड बट जब लैंड है अथाह लैंड है रेगिस्तान की लैंड है सो यू वुड एक्चुअली एंड अप द डेड दाय बिकॉज दैट इज एक्चुअली मच मोर सेंस ना पानी भी खर्च होगा उसके अंदर ना लकड़ी की कमी होगी वेर एज अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाए तो लकड़ी इतनी ज्यादा है फॉरेस्ट है चारों तरफ ओवर पीरियड ऑफ थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड ई इतनी ज़्यादा थी तो दे वुड फाइंड इट मच मोर रीजन हाउ द जोग्राफी एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दीज पीपल ऑफ़ द एंशियंट कल्चर्स हैव एक्चुअली इम्पैक्टेड एंड उनके कॉन्सिक्वेंसिस आज तक कल्चर और हिस्ट्री के अंदर होते हैं योर रिलीजियस बिलीफ इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ अकल जियोग्राफिकल प्लेस यू वर बॉर्न इन टू हैव यू एवर थाट अबाउट इट चलिए अब आते हैं हम इंडो इस्लामिक कल्चर पर तो इंडो इस्लामिक जब इस्लामिक रूलर्स आते हैं तो उन्होंने ये मीनार्स कुतुब मीनार अगर आप ताजमहल देखोगे तो उसके चारों तरफ ये मीनार हैं ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था कहीं पे भी नहीं था ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और मोजोलियम्स ये जो मोजोलियम्स है क्यों क्योंकि वो मकबरा बना देते थे एम्परर्स के लिए समथिंग लाइक पिरामिड्स जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है मोर्टार वॉज यूज एज ए सीमेंटिंग एजेंट इन दियर कंस्ट्रक्शन एंड मोर इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर ह्यूमन और एनिमल फिगर्स कंप्लीटली अवॉइड की जाती हैं। अगर आपको कोई रेयर एक्सेप्शन मिले इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर ह्यूमन और एनिमल फिगर्स कंप्लीटली अवॉइड की जाती हैं। दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू मेक। किसी भी बिल्डिंग पे देखा है आई कैन टेल यू अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो द मोस्ट नंबर ऑफ बिल्डिंग्स दैट यू हैव सीन मस्ट बी रिलेटेड टू इंडो इस्लामिक चर आई गेर इंडिया है इसका कोई इलाज नहीं है the thing is that कि सब कुछ में, तो उसका कुछ सर्वाइव नहीं किया Whereas जो है, तो दो बिल्डिंग आपने देखी होगी एक तो जो ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर है जो कि अंग्रेज लेकर आए थे और उससे पहले वाला जो मुगल आर्किटेक्चर है या फिर पूरा इंडो इस्लामिक ट्वेल्थीज ये रिसेंट हिस्ट्री है और यहाँ की हिस्ट्री यहाँ की जो बिल्डिंग्स बड़ी सारी सी एग्जिस्ट करती है एंड ऑल ऑफ अस है हिंदू आर्किटेक्चर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ़ टाइम कंजेस्टेड हो गया था बट जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसमें तक उसकी दीवारें चलती रहती है आइए देखते हैं सो वी आर अवेयर ऑफ दर्कुएट कंफ्यूज नहीं होना है आर्कुएट का सिंपल मतलब है ये ऐसे आर्क बना देने वाला जो दरवाजा होता है यूज इस्ला, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ट्रेबियट अपने घर में देखो जहां पे लकड़ी की या पत्थर की या किसी और पर किसी भी मटेरियल की कड़ी जो यूज की जाती है उसी चीज़ को कहते हैं ट्रेबिएट नॉट अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अब देखो पहले जो प्रीवियस स्ट्रक्चर बात करते थे वहां पे स्कल्पचर यूज किया जाता था डेकोरेशन के नाम पर चाहे भगवान हो यक्ष हो मिथोलॉजिकल क्रीचर्स हो जाते थे गॉड होते थे एम्परर्स होते थे द्वारपाल होते थे इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में कैलीग्राफी एज द मीन्स ऑफ डेकोरेशन बेसिकली जो कुरान की आयतें होती हैं उनको ऐसी सुंदर राइटिंग में उनको बेसिकली बिल्डिंग्स के ऊपर ड्रॉ कर दिया जाता था द कैलीग्राफी इन सेंस एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये आपने जरूर देखा होगा अरबेस्क मैथड अरबेस्क मैथड क्या होता है डेकोरेशन के लिए जो यूज होता है इसमें जियोमेट्रिकल वेजिटल ऑर्नामेंटेशन तो जैसे फूल पत्ती होते हैं ना उनको बड़ी ही जियोमेट्रिकल तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है इफ यू लुक एट दिस पिक्चर यहाँ से बड़ी आसानी से पता चल जाएगा so, ऐसे ये फूल पत्ती की तरह बन रही है ये फूल बन गया इधर, वेरी जियोमेट्रिकल टाइप ऑफ पैटर्न इसको कहते हैं अरेबेस्क मेथड बहुत ही सिंपल है मतलब डेफिनेशन ही आएगी अगर में कुछ पूछा जाएगा, मेथड कुछ नहीं सर वो ज्योमेट्री बना देते हैं वेजिटेशन को ज्योमेट्री के द्वारा ड्रॉ करना दैट इज़ 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 व्हाट इट इट सो इजी वंस यू पुट इट इनटू दीस वर्ड्स पढ़ने में आता है तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नया कॉम्प्लेक्स चीज हो गया बाय अ कंटीन्यूअस स्टेंप व्हिच स्प्लिट रेगुलरली प्रोड्यूसिंग सीरीज ऑफ काउंटरपोइज्ड लीफी सेकेंडरी स्टेम्स ये है अंग्रेजी की समस्या ये अंग्रेजी में ऐसे लिख देते ना कि पता नहीं क्या हो गया कुछ नहीं है कहने का मतलब ये है कि भाई अरे मेथड क्या होता है कि बेसिकली ऐसे एक लाइन निकलती रहती है और सेकेंडरी स्टेम्स भी निकलती हैं उसमें से और उसमें फूल पत्ती बनती रहती हैं बस इस चीज को कहते हैं अरेबेस्क मैथड सो एक काम करो ताजमहल को इमेजिन करके चलो आई मज्यूमिंग ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा होपफुली मैक्सिमम नंबर में जिन्होंने नहीं देखा उनके बारे में भी बात करेंगे कोई और कर लो अगर कोई और दूसरी बिल्डिंग देखिए हल्की फुल्की जिस पर ऐसा कुछ बना हुआ याद हो तो एक तो कैलीग्राफी करते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में दूसरा ये अरेबेस्क मेथड करते हैं जहाँ पे ऐसे ये फूल पत्ती ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में बनाए जाते हैं अब आर्किटेक्चर जो इस पीरियड का था वो ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करता है जिसमें एक ना सेंस ऑफ सिमिट्री रहती है सेंस ऑफ सिमेट्री वहां पर भी थी ऐसा नहीं है कि बिना सिमेट्री के कौन से कौन सी ऐसी चीज है जो बिना सिमेट्री के बन रही हो बट ये जो ड्राइंग करते थे देखो यहाँ पे दोनों तरफ ना सेम बनी हुई है सो दिस आइडिया ऑफ सिमेट्री इज वेरी मच सेंट्रल टू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इफ यू सी ताजमहल ताजमहल को बिल्कुल सेंटर में लाइन से डिवाइड कर दो तू इक्वल दो हाफ के अंदर बढ़ जाएगा मोर और लेस सारी की सारे आर्किटेक्चर जो बड़े बिल्डिंग्स है वो ऐसे ही होती है बट इंडो इस्लामिक में ये फोकस अलग लेवल पर रहता है उसको अगर ऊपर से किसी भी डायरेक्शन से करोगे तो भी वो सिमिट्रिकल होगा उसको ऊपर से करोगे एरियल व्यू से करोगे तो भी वो सिमिट्रिकल होगा बिल्डिंग्स में बहुत जाली वर्क होता है यहां पर इस्लामिक रिलीजन में लाइट की बड़ी इंपॉर्टेंस है लाइट की और वाटर की दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट नेचर से एसोसिएटेड है यहाँ पे एक स्पेसिफिकली ये क्या करते हैं पानी का बड़ा यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ द कोर्टयार्ड पूल्स फाउंटेन्स एंड द स्मॉल वेज कोई इस्लामिक बिल्डिंग कभी देखना आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग तो उनके कोर्टयार्ड जरूर होंगे हमारे जो एंशियंट गुप्ता आर्किटेक्चर थे उस समय तक इतनी ज्यादा डेवलपमेंट या इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी आर्किटेक्चर की जिसके अंदर बहुत बड़े कोर्टयार्ड्स हो बट यू गो टू ताजमहल यू गो टू लाल किला यू गो टू एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग्स विच यू रिमेंबर ऑफ इंडो इस्लामिक टाइम वो बड़े ऐसे ना कोर्टयार्ड बनाते हैं अब जिसमें पानी का जो फाउंटेन्स होते हैं फवारे होते हैं उनका बहुत ज्यादा यूज होता था पीछे थ्री रूल ठीक है रिलीजियस पर्पज के लिए प्रीमाइसिस को कूल करने के लिए और डेकोरेटिव पर्पसिस के लिए तीन रीजन है सिंपल पूछेंगे प्रिलिम्स में आई थिंक वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये पानी के फवारे और पानी के बाग क्यों बना रहे हो पहले तो रिलीजियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरा डेकोरेशन में बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद जो प्रीमाइसिस है थोड़े से ठंडे रहते हैं एंड इंटरेस्टिंगली इस्लामिक रूलर्स ने चार बाग टाइप की गार्डनिंग इंट्रोड्यूस की जहां पे एडजेसेंट चार आइडेंटिकल गार्डन्स होते थे ताजमहल में भी हैं ये चार ऐसे आइडेंटिकल गार्डन्स ये देखो ये इन्होंने बड़ा दिमाग लगा के काम किया हुआ बीच में लगा दिया फुहारा जगह बहुत थी नहीं। स्पेस था इनके पास बहुत ही ज्यादा स्पेस कर देते थे तो ये बेसिकली स्पेसिफिकली चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अगर देखें मिनार्स यूज करते हैं मोजोलियम्स यूज करते हैं ह्यूमन और एनिमल फिगर्स यूज नहीं होंगे ज्यादा वाइड ब्रेथ स्पेस होता है कैलीग्राफी डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं अरबेस्क अरब अरब एस्क मेथड यूज करते हैं डेकोरेशन का जिसमें जियोमेट्रिकल फूल पत्तियां बना देते हैं उसके बाद सिमिट्री रहती है जाली वर्क बहुत ज्यादा होता है जाली वर्क में भी दिखाऊंगा अभी आगे और वहां पर चार बाग टाइप के गार्डन इनकी बिल्डिंग्स में बड़े पाए जाते हैं एंड वन लास्ट एंड आई एम होपिंग आपने सुना होगा ये आर्किटेक्चर यूज दिएट्रा ड्यूरा ये ताजमहल की दीवार की फोटो है ये ठीक है पियतरा दूरा टेक्निक फॉर द इनले ऑफ द प्रीशियस कलर्ड स्टोन्स एंड जेम्स इनटू द वॉल्स ऑफ द डेकोरेशन बेसिकली संगमरमर की दीवार के अंदर पहले नक्काशी से उसको खाली छोड़ते हैं और फिर उसके अंदर ऐसे कलर्ड जेम्स डाल देते हैं ह्यूमन्स कभी भी नहीं होंगे यही फूल पत्ते की ज्योग्राफी होगी देखो ऊपर हमने यही पढ़ा था ना ये फूल पत्तों की अरेबेस्क मेथड है लेकिन इसको एक स्पेसिफिकली दिस इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड याद करो पियतरा दूरा पियतरा दूरा क्या होता है जैसे कड़ी का काम करना होता है ना वैसे वाला काम है ये बट दीवारों में और जेम्स कलर्ड स्टोन्स को जेम से जो अपने समय में जब ताजमहल के अंदर जब शाहजा वाजा रहा करते थे तब तो उन्होंने ऐसे कई जगहों पर हीरे वीरे जड़वा देते थे जो उनके पास महंगे रूबी वूबी टाइप की चीज होती थी अभी जो है ये कलर्ड स्टोन्स हैं जेम्स हैं ये होता है पियत्राधुरा एक चीज अगर इंपॉर्टेंटली याद रखोगे आज के लेक्चर से सिर्फ एक ही करने का मन है रिमेंबर द पियत्राधूरा पियतराधूरा क्या होता है एक टेक्निक है संगमरवर की दीवारों में छेद करके उसके अंदर स्टोन पत्थर ये देखो ये सारा का सारा ना ये जितना भी एरिया है ये स्पेसिफिकली उसको कार्व किया है और उसके अंदर जेम्ड कलर्ड स्टोन डाल दिया गया इट्स ब्यूटीफुल यू लुक एट इट इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल व्हेन यू गो टू द ताजमहल नेक्स्ट टाइम देख के बता देना किसी को अम्मा ये है पियतराधूरा एंड बी लाइक like लेक जाके कोक लेके आओ अब हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अलग अलग पीरियड के आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं स्टार्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कम्स फ्रॉम दहली सल्तनत पीरियड सल्तनत पीरियड में इंडिया में जो इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट होती है तो सबसे पहली जो डायनेस्टी जो फॉरन डायनेस्टी स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज द स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड एज दामलूक डायनेस्टी राइट अब स्लेव डायनेस्टी या इलबारी डायनेस्टी जो है जो कि बारह सो छा सो नब्बे एडी तक क्रोनोलॉजी याद करो फर्स्ट लेक्चर में बताया था इफ यू टू लर्न आर्ट एंड कल्चर एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न एंशंट इंडिया द ओनली थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन इज टू अंडरस्टैंड दी क्रोनोलॉजी व्हेनेवर यू हियर एनीथिंग बुद्ध की कोई फोटो पदम्पनी की कोई फोटो अजंता के उसकी कोई फोटो एनी थिंग क्या नाम है मेहरौली का लौह स्तंभ अशोका का लायन कैपिटल इफ यू कैन टेल मी दाइम ऑफ मेकिंग इट यू वुड बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 70 टू 80 परसेंट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी बेस्ड है चाहे उनके अंदर हो या ना हो इट दे यूर यू बी एबल टू सॉल्व इट यहाँ पर आर्किटेक्चर जो स्टाइल है इनके समय में अब यहाँ पे सिंपल तरीका है कि जो जो डायनेस्टीज थी उनमें उसमें जो, जो जो बिल्डिंग्स बनी है उस बिल्डिंग्स को बोल देंगे अब स्लेव डायनेस्टी ने जो जो बिल्डिंग्स बनाई दैट वुड बी दी मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मुगल्स ने जो बिल्डिंग बनाई मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये सारे के सारे बारहवीं सदी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक जो भी आर्किटेक्चर है उसको कहेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अब इन डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ में कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर के फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं कुतुब मीनार हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं भाई क्या बिल्डिंग बनाई है लड़कों ने मैं कहता हूँ क्या बिल्डिंग बनाई है देखो तो सही क्या आइडिया आया था दिमाग में बोले कि मैंने कुछ जीत लिया है तो मैं इसके लिए एक बिल्डिंग बना दूंगा जी ने साधम था जो भी था ये कुतुबुद्दीन एबक ने एक पांच स्टोरी स्ट्रक्चर बनाया वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है पांच स्टोरी बिल्डिंग सुनाया एक ही बेचारे से खत्म हुई थी फिर वो मर गया उसके बाद जो नेक्स्ट तीन स्टोरी थी वो इल्तुतमिश ने बनाई थी ये वाली और जो लास्ट वाली थी वो फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक का मेंबर है उसने बनाई थी अब हम मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि जो हमारी ये कुतुब मीनार है इसमें एक्चुअली में सात मंजिलें होती थी और कभी नाइनटीन में नाइनटीन में कोई हवाई जहाज टकराया और ऊपर की दो मंजिलें टूट गई और अब इसमें पांच है एक्चुअली में सात हुआ करती थी आई वॉज शॉक्ड वेन आई रियलाइज इट इज अ फेक न्यूज ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ गया मेरा ऐसी बात सुन के इसमें पांच ही थी हमेशा से पांच ही थी बट देर इज अ स्टोरी प्रॉबेबली वो ट्रू है कि जो अपर वाली मिनरेट है वो किसी दिन लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से खराब हुई थी डैमेज हो गई थी बाद में उसको रिन्यू कर दिया गया था तो ये जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कि मामलू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है दैट इज द कुतुब मीनार इसके बारे में अब हमें बस इतने ही understanding याद रखनी है that is it. इसके बारे में आगे जो details हम करेंगे उसका आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है इसका फीचर क्या है important, वाला बारह सो नब्बे लेकर तेरह सो बीस एडी तक तीस साल तक नई डायनेस्टी आती है जो कि है खिलजी डायनेस्टी ठीक है मामलूक के बाद सेकंड वाली आगे खिलजी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर है उसको कहते हैं लजुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाई द यूज ऑफ द रेड स्टोन ये जो लाल पत्थर की जो बिल्डिंगे हैं जितनी भी इंडीड अगर आप इमेजिन करोगे ना मुगल सॉरी एक तो इस इंडो इस्लामिक बोलने से पहले मुगल याद आता है अगर आप इमेजिन करोगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को तो एक ताजमहल याद आएगा और उसके अलावा जो भी बिल्डिंग याद आएगी वो लाल कलर के पत्थर की आएगी मोरलेस जनरली तो जो लाल कलर का जो पत्थर है रेड स्टैंडस्टोन ये काम करता है खिलजी डायनेस्टी वाले लोग शुरू यहां पे स्टाइल यानी कि जो जो बिल्डिंग्स में आर्क है वो वो डायने से परमानेंटली स्टार्ट हो जाते हैं दो इंट्रोड्यूस मामलों में मानी जाएगी इंडो इस्लामिक में मानी जाएगी बट ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी का सीरी फोर्ट तीस साल की डायनेस्टी थी तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग ये बना नहीं पाए बट ये अलाई दरवाजा है एंड बिकॉज इट इज़ लाइक अ वेरी वेरी ओल्ड डायनेस्टी तो वो इसकी जो सीरी फोर्ट एक जो इसकी एग्जाम्पल थी वो टूट भी गया और आर्कुएड स्टाइल भाई यहाँ पे अब प्रोमिनंस लेना स्टार्ट करता है खिड़कियाँ भी आर्क आर्क में बना देते हैं बंगले भी आर्क में बना देते हैं डोम जो यहाँ पर थे वो आई जाते हैं खिड़कियों में जाली वर्क रहता है अगर बाहर जाके देखेंगे तो इसके ऊपर जो भी डिज़ाइनर्स हैं जाली वर्क है कहीं पर भी स्कल्पचर या ह्यूमन फार्म या एनिमल फॉर्म नहीं मिलेगी नाव यू कैन सी इट दो ऑलरेडी you know it, it दिमाग में पता तो था हाँ कहीं देखा तो नहीं कभी वहां पर कोई आदमी बना हुआ किसी भी मुगल बिल्डिंग में चलिए इसके बाद आते हैं हम लोधी डायनेस्टी पे लोधी डायनेस्टी के अंदर आर्किटेक्चर थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है इसके समय में ना लोधी डायनेस्टी की कोई बहुत बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है प्राइमरली स्पीकिंग यहां पर टूम्स मोजोलियम्स जो होते हैं जनरली वही बनाए गए थे बट सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग फीचर था जो कि लोधी डाइनेस्टी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज द आइडिया ऑफ द डबल डोम्स डबल डोम्स का मतलब कि इट कंसिस्टेड ऑफ अ होलो डोम इन साइड दॉक डोम तो ये डोम है अगर आप इस बिल्डिंग में घुसोगे ठीक है तो छत पे देखोगे तो यू वुड बी लाइक कि ये आपको इतने लेवल की छत दिखेगी यू यूडी लाइक हाँ ये डोम है बाहर से देखोगे तो ये बहुत ऊंची दिखाई देगी लेकिन इसके अंदर एक हॉलो डोम है सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि हॉलो डोम स्पेसिफिकली लोधी डायनेस्टी है बीच में तुगलक डायनेस्टी भी थी उन्होंने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया ठीक है सबसे पहले मामलूक डायनेस्टी सेकंड वन पर खिलजी डायनेस्टी थर्ड पर तुगलक डायनेस्टी दे डोंट डू मच अबाउट द आर्किटेक्चर देन फोर्थ वन इज द लोधी डायनेस्टी जहां पे एक स्पेसिफिक हमारा फीचर ये है कि उन्होंने होलो डोम को इंट्रोड्यूस किया ठीक है अब ये होलो डोम क्यों किया गया था देखो अब इसके अंदर घुसेंगे ना हम ये दरवाजे से हम अंदर घुसे अब हम यहां तक देखेंगे तो इसका जो रूफ का जो लेवल है वो यहां तक दिखेगा ये पूरा का पूरा ऐसे हॉलो डोम है क्यों बनाया टू गिव स्ट्रेंथ टू जो इनर हाइट ऑफ डोम थी इसको कम करने के लिए धोखा ही था बाहर से देखो तो बिल्डर अरे बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी अंदर जाके देखो छत तो ये तो यही दिख रही है तो हाथ टच कर दूंगा इसको कूद के सो बट देयर आइडियाज वी नॉट देयर इन फोर्टीन सेंचुरी Who knows what what they they were were thinking about doing doing it? it Now we have to actually explain it, what they were doing it. So tombs built during the phase were hard and bare without any lavish decoration. ये देखो लोधी ताजमहल देखेंगे ना तो वहाँ पे देखेगी डेकोरेशन यहाँ पे देखिए बाहर डेकोरेशन नहीं है it's very visible, right? It's बस bare है बाहर बहुत ज्यादा डिजाइनर मैटर नहीं लग रहा है लोधी डायनेस्टी का ऐसे ही सारे के सारे जो टूम्स है डायमीटर होता था पंद्रह मिनट का जैसे लोधी गार्डन है सिटी ऑफ आगरा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी इंटरेस्टिंग हाँ आगरा की जो शहर था उसकी पहली स्टेबलिशमेंट सिकंदर लोदी ने कराई थी लोदी गार्डन्स जो बनाए थे दिल्ली में हैं लोदी गार्डन्स वो इनके लिए है हाँ एक्चुअली में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर ये तो हम रिस्पेक्ट में श्रद्धा अनुसार इनकी पुराने वाली चार डायनेस्टीज को कर लेते हैं जो इपिटमी है वो है मुगल आर्किटेक्चर के अंदर मुगल आर्किटेक्चर ही बेसिकली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का असली सिनोनिम है क्या हुआ कि मुगल एक, तो, okay, एक ताजमहल बनने में बीस साल लग गए थे अगर तो वहां पे और ऊपर से ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड में स्टार्ट भी नहीं कर सकते व्हेन यू आर यंग न्यू डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है ठीक है तो तुम्हारे पास पैसे कम होते हैं यू आर कंसॉलीडेटिंग द रूल पैसे नहीं आए हैं आर्टिस्ट कैसे करोगे मुगल डायनेस्टी वॉज देयर फॉर मोर देन टू हंड्रेड ईयर्स वो दो सौ ढाई सौ तीन सौ साल रह गई थी और असली बिल्डिंगे जो बनाई थी वो तो हमारे शाहजहां ने बनाई है है ना क्यों क्योंकि उससे पहले उसके पिताजी उसके दादाजी उसके पड़दादा जी उन्होंने पूरा का पूरा एम्पायर जीत के क्रिएट कर दिया था तो शाहजहा जब आया था उसके पास थे खुले पैसे खुले पैसे थे और उसको जब किसी चीज को कंसोलिडेट नहीं करना जब नई लड़ाइयां नहीं करनी जब नए एम्पायरस को अपने साथ डालना नहीं है तो फिर तुम आर्ट करोगे ये हमारे ने शिद्दत से किया बट उससे पहले ऐसा नहीं है बाबर के टाइम में भी बेसिकली आर्किटेक्चर kind of छोटी कुछ एक दो मस्जिद वस्जिद जो बनाई गई थी हुमायूं का समय बहुत ज्यादा नहीं था अकबर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मुगल्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं ये सेंटेंस मुझे काफी डिस्टर्ब करता है कई बार ऐसे बोल दो द मुगल्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे स्लेव डायनेस्टी नहीं है जैसे तुगलक वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था देखो और ये आज भी कभी सुनो ना किसी के बारे में ओ दैट पर्सन इज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट दैट पर्सन इसका सीधा मतलब होता है कि अथाप पैसा है अथा अनलिमिटेड मनी है और आर्ट और आर्किटेक्चर सिर्फ पैसे से होता है ये सीधी-सीधी बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं दो हम इसको पढ़ते हैं हमारे जैसे जो कॉमन मैन है वो इनको बड़ी शिद्दत से किताब में अकेडमिक लेवल पर पढ़ते हैं बट आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट हैविंग मनी ऐसी बिल्डिंग इतना हम खुश हो जाएंगे अगर हमें पांच करोड़ रुपए मिल जाए जीवन में वी वुड बी सो हैप्पी दैट वी विल स्माइल प्रॉबेबली फॉर एटलीस्ट फाइव ईयर्स फॉर फाइव करोड़ रुपीज मे बी प्रोबेबली फिफ्टी ईयर ऑल्सो ये लोग पांच करोड़ एक बिल्डिंग बनाने में लगा देते थे मुगल वाले जा। तो ताज महल की तो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी बट आई एम प्रश्योर की तीन चार बिलियन डॉलर के करीब का अप्रॉक्सिमेट उसकी कैलकुलेशन होगी उस टाइम के रिलेटिवली आज आज और अगर आज कोई ताजमहल बनाएगा इट विल प्रॉबेबली टेक अराउंड फोर टू फाइव बिलियन रुपीज तो ये ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना दिस इज ऑल अबाउट यहां पर बट इन उसके बाद भी अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स में देखें तो मुगल्स के टाइम में दिस इज वेयर द आर्किटेक्चर रिगेन्स इट्स इंपॉर्टेंस एंड इफ वी लुक एट द मैप ऑफ इंडिया टूडे तो भाई ये लोग करते हैं डोमिनेट इनकी बिल्डिंग्स करती है डोमिनेट मॉरियन आर्किटेक्चर और गुप्ता आर्किटेक्चर वॉज एट द सेम लेवल ऑफ आर्ट ऑफ द मुगल्स नॉन डिबेटेबली नॉन डिवेटिवलीगोशियबलीवर दे वर सो ओल्ड

अकबर के समय में जो बिल्डिंग्स आप मेजर देखेंगे, जो भी अकबर ने बनाई हैं, तो उसके अंदर रेड का का यूज़ होगा। अकबर 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 मुगल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर देखो, ये आकबर, आ, आकबर का अलग से फॉर्म नहीं है ठीक है अकबर का मतलब है कि बस हम की बिल्डिंग्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई, आ, मुगल सो जब, आ, पूछते हैं तो वो किस एम्पर ने क्या किया

कुछ चार प्रकार के बैलेंसिंग ज्योमेट्रिकल सेंटर होते है। अभी आर्कों को को हैं अब इस आर्क को कहते हैं ट्यूडोर आर्क ट्यूडोर डायनेस्टी हुआ करती थी उसके द्वारा उसमें सबसे पहले यह यूज हुआ था इंडिया में अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था ठीक है ये बात बस ये एक ही बात याद रखनी है अकबर आर्किटेक्चर के बारे में अब अकबर बनाता है बिल्डिंग्स ये गाट मनी ही सही घाटा एक बिल्डिंग्स सबसे पहले ये बनाया आगरा फोर्ट अच्छा दिल्ली वाला फोर्ट दिल्ली का जो लाल किला है वो अकबर ने नहीं बनाया है जल्दी से बताइए कमेंट्स में लाइव वालों में ही बता दो दिल्ली वाला आगरा फोर्ट किसने बनाया अकबर ने बनाया था सॉरी दिल्ली वाला लाल किला किसने बनाया अकबर ने बनाया था लाल किला परंतु आगरा में देश में दो लाल किला है एक है है दिल्ली के अंदर और एक है आगरा के अंदर आगरा वाला बनाया है हमारे अकबर ने अकबर के समय में बना था उसके बावजूद भी ये एक, एक तो ऐसी बिल्डिंग बनाते थे मुगल की इनके टाइम में शुरू होती थी खत्म कोई और करता था शाहजहां खत्म कर रहा है उसको नॉट दिन पोता, अकबर का पोता है वो उसने उसके अंदर अंदर बनाए थे अब इस खिले के बिल्डिंग्स हैं मोती मस्जिद दीवाने आम दीवाने खास जहांगीरी महल शीश महल एंड इसके अंदर जो गार्डन्स थे वो ऑब्वियसली चार बाग स्टाइल में थे जितनी तो बिल्डिंग है सारी तो ने बना रखी है शाहजा बिल्डिंग है बना शाहजा बिल्डिंग बनाता था भाई देखो मैं बता रहा हूं अगर हमारे देश में कोई बिल्डिंग बना रहा है या बनाई है पिछले पांच तो वो बनाई है शाहजा ने शाहजहा कम कम जनरेशन के पैसे richest किंग ऑफ द वर्ल्ड एट देट टाइम अगर उस समय हम बात करें शाहजहा समय के बारे में बात करें उस समय विश्व में जितने भी जो वर्ल्ड लीडर्स थे या जितने भी जो किंग्स थे या

Why? क्योंकि मुझे इसका एपिथेट बचपन में पता था और अभी फिर रिसेंटली फिर से पढ़ा ना इसका एपिथेट ही अकबर ने इंडो इस्लामिक के तहत एक नई कैपिटल सिटी का क्रिएट किया था जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी आगरा से थोड़ी दूर है एक घंटे के डिस्टेंस के ऊपर इट हेज बिन डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री वॉट अ ब्रिलियंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिटी जब मैं स्कूल में था बचपन में सिक्स या सेवंथ क्लास में माई स्कूल टुक मी टू अ ट्रिप एंड देट वॉज द फर्स्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ उस समय मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉबेबली कोई स्कूल के साथ ट्रिप की थी एंड दे टुक मी टू फतेहपुर सीकड़ी एंड आगरा दोनों साथ ही साथ है तो एक ही दिन में उन्होंने दोनों की ट्रिप करवा दी थी मुझे नहीं पता था उस समय नहीं पता था उस समय तो मैं बस ऐसे गया था द फ्रोजन मोमेंट दिस इज सच एंड आई रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम दैट इट रिप्रेजेंट अकेंड ऑफ दिंदू एंड दर्शियन स्टाइल्स और पे interesting, interesting है. पहले है बुलंद दरवाजा 40 मीटर रेड सैंडस्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर जो कि पंद्रह सो में बनाया गया था क्योंकि अकबर ने गुजरात के ऊपर जीत पाई थी इट इज highest गेट वे ऑफ world. ऑल्सो इसमें ट्यूडोर आर्क बनाई गई है बुलंद दरवाजे के अंदर और उसके बाद वहीं पर वहीं पर उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर शलीम चिश्ती का टूम भी है जो कि पंद्रह सो इक्यासी पांच साल के बाद यह बनाया गया था जिसमें बहुत ही आई स्टिल हैव फोटोज फॉर इट आई थॉट आई एक्चुअली शेयर विद विध यू

अमेजिंग एंड यहां पे सलीम चिश्ती का ये एक टूम है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कि 1581 एडी में था और ऐसा है इसके इसके अंदर जाते थे लुक इसकी जो दरवाजा है ना जो खिड़कियाँ हैं दीवारें हैं उस पे ऐसा ब्यूटीफुल ना जाली का, का काम किया गया है वाइट मार्बल से अरेबस्क पैटर्न है इसके ऊपर कुरान की जो वर्स होते हैं जो आयतें होती हैं वो लिखी होती हैं इट इज इन द इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स जिसमें बुलंद दरवाजा भी है जामा मस्जिद है जहांगीर ने इसको और डेकोरेट कर दिया था कि डैडी ने बनाया है चिश्ती जी के लिए लेट मी मेक इट बेटर एंड मच मोर ब्यूटिफुल एंड पंचमहल अभी हम अकबर के बिल्डिंग से बारे में बात कर रहे हैं पंचमहल वहीं पर एक फाइव स्टोरीड फतेहपुर सीकरी में ही फाइव स्टोरीड स्ट्रक्चर है जिसमें कॉलम्स आर इंस्पायर्ड बाय द ऑफ द पर्शियन बदगीर विंड कैचर ऐसा माना जाता है कि कुछ इस प्रकार से बनाए हुए हैं कि ये हवा को कैच कर लेता है आई डोंट अंडरस्टैंड इट हाउ इट डज इट बट दैट इज वट वी हैव टू रिमेंबर वी हैव टू जस्ट टेक इट ऑन द फेथ प्रॉबेबली अकबर अंकल ने बनाया था तो ही हैड समथिंग इन माइंड मे बी ही मेबी डूइंग विद द प्लान ही हैड अ प्लान सो ये पंचमहल है आई कैन अंडरस्टैंड इट इज पंचमहल बिकॉज लाइक फाइव स्टोरीज so we are good with that okay we understand that हाँ पाँच पहल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि पाँच stories है what is badgiz what is wind catcher it's 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 something it's kind of an architectural system okay it's it's kind of an uh, इसको इस प्रकार से uh, with the directions uh, उस city की जहाँ पर ये बनाया गया है उस city की जो in general wind directions होती हैं and once wind enters these stories it's kind of gets trapped inside that this is how architecturally it has been designed

It's something, it's something like this, जैसे मै आई एम टीचर ऑफ योर्स तो मैं सारे के सारे टीचर्स को बुला लू अपने घर पे एंड वी विल टॉक आर्ट एंड कल्चर विद सारे आर्ट एंड कल्चर के टीचर्स को बुला लू और फिर सबके साथ आर्ट एंड कल्चर की बातें करने लग जाओ लेट्स टॉक आर्ट एंड कल्चर दिस इज वॉट डूंगी हेड नो कोई पूछ ही नहीं सकता था ना उसे और फिर इन्होंने इनकी जो वाइफ थी जोधा भाई या जिसको कहते हैं मरियम उज जमानी का एक पैलेस भी बनाया हुआ है बहुत ही प्यारे इंटीरियर्स हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर है क्योंकि जोधावाई राजपूत थी हिंदू थी उनके जो महल थे उसके अंदर बेल्स और फ्लावर्स के हिंदू मोटिव्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया है इंडो इस्लामिक पर्शियन इन्फ्लुएंस तो हो गए इंडो इन्फ्लुएंस भी होगा होगा भाई वाइफ की बात ना माने ऐसा अकबर के अंदर भी हिम्मत तो नहीं हो सकती थी हो गए शहनशाह अपने घर के <laughs> बट अपने घर के नहीं एक्चुअली में देश के शहनशाह थे घर के तो शहनचाह कोई और ही हो जाता है तो उनको बनाना पड़ा उनके लिए मन से ठीक है एंड यहीं पर फतेहपुर सीकरी में एक है पच्चीसी कोर्ट ठीक है यहाँ पर अकबर बैठ के प्ले इफ यू अगर जीना है तो अकबर की तरह जीना ये इसकी फोटो अभी इसकी विशाल का दिख नहीं रही है इट्स इट्स अज कोर्ट मतलब पांच एकड़ का एक कोर्ट है और यहाँ पे अकबर क्या करते थे इधर खुद बैठ जाते थे और इधर किसी बेचारे बदकिस्मत को बिठा लेते थे और उसके साथ फिर शतरंज खेला करते थे कौन जीत आई मैं इफ आई वुड प्ले आई वुड नॉट विन अगेंस्ट अकबर मैं हार दूं सारे घोड़े हाथी मरवा दूंगा मैंने कहा आपसे थोड़ी ना मैं जीत सकता हूँ कैसी बातें कर रहे हो अंकल पच्चीस कोर्ट इन दी कोर्ट या अकबर यूज टू प्ले चेस याद करना है दिस इज लाइक यू हैव टू रिमेंबर ओके कि एक इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में रेड सैंड स्टोन से बना हुआ एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है पच्चीसी कोर्ट पच्चीसी कोर्ट का मतलब यह कि अकबर वहाँ पे बैठ के ऐसे लेजेंड है कि वहाँ पे अकबर बैठ के चेस खेला करते थे दिस इज गुड ओके लुक एट एट हिरन मीनार अकबर ने एक मीनार बनाई है जिसका नाम है हिरन मीनार क्यों क्योंकि अकबर के जो सबसे पसंदीदा हाथी थे उनका नाम था हिरन प्लीज डोंट लाफ हाथी का नाम उन्होंने रख दिया था हिरन लुक एन एम्पर कैन डू दिस थिंग्स ओके अगर आप अपने डॉग का नाम भालू रख दोगे तो समबड़ी माइड एक्चुअली पॉइंट दट आउट टू यू एंड मे बी इवन लाफ एट यू कि अगर आपके पास डॉग है और उसका नाम हिरन हो इसका क्या नाम है इसका नाम हिरन है ये है एंड क्या इट्स डॉग पीपल विल लाफ एट यू यू योर फ्रेंड्स आर गोना मेक फन ऑफ अकबर ने अपने हाथी का नाम रख दिया हिरन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो उसके कोर्ट में थे दे वुड बी दे प्रोबेबली वॉन्टेड टू टेल हिम कि मे बी वी कैन नेम इट समथिंग एल्स बिकॉज इट्स एन एलिफेंट एंड यूर कॉलिंग इट ए डियर नो बड़ी हैड द करेज टू चैलेंज राजा अकबर

इट्स एक्चुअली इवन अ लाइट हाउस एज द दर्स और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर जिस ये जो इट्स नॉट लुकिंग कूल राइट ना ओके हो सकता है उस समय बहुत ही अच्छी लग रही हो जब अकबर के दिमाग में आइडिया होगा थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट कि इस पर ये जो इसका जो एक्सटीरियर है ये जो स्पाइक्स हैं यू नो इट्स इट्स जस्ट बेसिकली लाइक टस्क थी हाथी के टस्क हैं उसकी वजह से ये स्पाइक्स बनवाए गए थे उस समय कूल cool लग रहे होंगे आई एम नॉट बट इट्स यूनिक यू नो दिस इज आपने कोई और ऐसी मीनार नहीं देखी है जिसपे हैं <laughs> अरे हिरन था यार हाथी का नाम कोई हिरन क्यों रखेगा अकबर अकबर ऑल्सो बेस्ट ऑफ द टुडे बेस्ट मतलब बेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ द टुडे अकबर बिल्ट ए टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन एंड लुक हाउ अमेजिंग टेम्पल दिस टेम्पल लुक्स लाइक क्योंकि इसमें रेड क्योंकि इंडो इस्लामिक टाइम चल रहा है और वो रेड सैंडस्टोन यूज करेंगे

अकबर मैं देख रहा हूँ क्यों? इस इसके अंदर भी ये टेम्पल दूसरे टेम्पल से सबसे अलग होगा क्यों क्योंकि इसमें जितनी भी डेकोरेशंस होंगी वो इस्लामिक तरीके से मतलब दे एक्चुअली नॉट यूज स्कल्पचर्स मेकिंग दिस दिस इज नाइस राइट एग्जैक्टली अकबर के बाद उनके पुत्र आते हैं जहांगीर अब ज्यूरिंग जहांगीर आर्किटेक्चर टुक ए बैक सीट एज यू फोकस्ड मोर ऑन पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट देखिए जहांगीर के दुख भी थे जीवन में अनारकली के छोड़ने से इतना आदमी इश्क में जब दुखी हो जाता है तो आर्ट थोड़ी दुख वाली आर्ट पसंद आती है पेंटिंग म्यूज़िक टाइप की डांस टाइप की जिसमें आदमी सैड सॉन्ग सुनता रहे अब जहांगीर ये वही है प्रिंस सलीम जो आपने कहानी सुनी है प्रिंस सलीम का नाम ही जहांगीर है तो इनको प्रेम हो गया था अनारकली से एक कोटसियन थी राजा अकबर को ये पसंद नहीं था राजा अकबर जब ऐसे बड़े बड़े महल मंदिर मीनारे बना रहे थे अपने हाथियों के लिए तब वो सलीम के प्यार में भी दखल देने की फुल कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बेसिकली अनारकली को जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था और इस दुख में जहांगीर ने आर्किटेक्चर छोड़ दिया बोले मेरे को नहीं बिल्डिंग बनानी पापा बनाते थे मैं करूँगा आर्ट दूसरी वाली पेंटिंग क्या करूंगा क्योंकि पेंटिंग में, में मेरा दुख ज्यादा दिखेगा लोगों को म्यूजिक सुनूंगा मैं सैड सॉन्ग सुना करूंगा बट उसके बावजूद भी ही ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक नोटवर्दी मोमेंट जिसमें अकबर का जो टूम था सिकंदरा में अकबर का जो टूम है वो सिकंदरा में है वो उसने डेफिनेटली बनवाया यूजली टूम आपका बेटा ही बनवाएगा अब आप अपने आप, जीने से कई कुछ लोग होते हैं जो अपने जीते जीते अपने खुद का टूम पहले से बनवाना शुरू कर देते हैं कि लाइक बाद मैं एक दिन तो मरूंगा ही मैं अपना खुद ही बना लेता हूं पहले बट यूजली अकबर की जब मृत्यु हुई तो उसका जो टूम था सिकंदरा में बनाया उनके पुत्र जहांगीर के द्वारा ही ही डेवलप्ड नंबर ऑफ गार्डन्स जैसे कि शालीमार बाग इन कश्मीर ही ऑल्सो बिल्ट मोती मस्जिद एट लाहौर हैव टू मेक अ लिस्ट अबाउट द मुगल एम्परस एंड यू डाउन कि किसने कौन सी बिल्डिंग्स बनाई हैं when it comes to Indo-Islamic architecture. That is an important information that you need to remember. Yeah. Just for the sake, I'll tell you, Jahangir ki aur jo Anarkali ki jo kahani hai, it's considered a legend. There is a possibility, there is a strong possibility ki that probably never happened. Aisa hua nahi hai kabhi bhi. दो पाकिस्तान में एक tomb of Anarkali, एक legendary tomb of Anarkali है but historians इस बात पर debate करते हैं कि क्या वो Anarkali का tomb है या किसी और का ही है उस पे एक बड़ी प्यारी सी आयत लिखी हुई है आई डू नॉट रिमेंबर दी आयत उस पर लिखा हुआ है कि एक बार मुझे अपने प्यार का चेहरा देखने दो, दो एक बार सिर्फ एक बार प्यार का चेहरा देखने दो एटर्निटी तक मैं भगवान के गुन गाऊंगा अल्लाह के गुन गाऊंगा था तो डाउट तो है मतलब तो जहांगीर का जब से दिल टूटा तो ये आदमी आर्किटेक्चर छोड़ दिया बोला कि नहीं मेरे को नहीं करना भाई ये बिल्डिंग है

बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे थे उस समय इसके पास इतना पैसा जितना किसी और ने कभी देखा ही ना इज अमीर कोई एम्पर हुआ भी नहीं हो हमारे पूरे इंडिया का रिचेस्ट एम्पर होगा कौन था औरंगजेब नो एम्पर सिंसाइसली ब्रिटिश एम्पर वॉज नॉट टेक्निक मतलब ठीक मतलब, है मतलब बट इंडिया का एम्पर मानेंगे कैसे उसको बट ठीक है तो दिस वॉज प्रोबेबली रिचेस्टर ऑफ इंडिया शाहजहां के समय में जो मुगल आर्किटेक्चर है इट रीचेज इट्स क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स का मतलब वो वाला मोमेंट जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होता है ना you know? ताजमहल को हमसे ज्यादा शायद फॉरिनने फॉर के मुझसे सुना है इस दी था महल दाजमहल ज दाइनेस्ट स्पेसिमन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एग्जीबिटिंग दुल रेंज ऑफ इट्स एंड ऐसा जजबाती महल मोज़ोलियम टूम बनवाया ऐसा जजबाती की अभी भी इट इज मतलब सिंबल ऑफ इंडिया राइट अगर फ़ॉरेनर किसी ट्रेवलर से पूछोगे तो एक अगर मॉन्यूमेंट उसको पता होगा

And पैसा बहुत खर्चा हुआ है इज नो डाउट अबाउट इट दर इज ऑफ मनी इट आई डो मतलब मे भी शायद पांच सौ साल पुराना हो गया सो so दे बहुत सारे टूरिस्ट थे एंड ग्रैंड और ऑप्यूलेंस प्रोबेबली उसके समय में इसको कुछ और सजा वजा के रखते थे

आपका घर जब आप घर बनवाते हैं पापा ने घर बनवाया था अगर वो आठ महीने से ऊपर चला जाता है ना तो फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है क्योंकि पैसा और ज्यादा खर्च होने लग जाता है कि यार कब खत्म होगा दो साल से तुम, सुन रहा हूं कि तुम घर बना रहे हो आर यू केडिंग विद बीस साल से ताजमहल बन रहा है <laughs> बनाओ जाओ पैसा इतना ज्यादा हमारे पास यहां पर इसके पास इसमें सारे फीचर्स है मुगल आर्किटेक्चर के कैलीग्राफी है वो पियतरा दूरा को तो बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहीं पर मिलता है चार बाग स्टाइल के गार्डन है चारों तरफ वाटर को प्रीमाइसिस में यूज होता है डेकोरेशन के लिए एंड दिस वेरी वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ फीचर था बहुत अच्छा लगता है इसे बोला हैव यू सीन जाली वर्क इन हैजमहल इज लेस लाइक एन एक एक्सट्रीमली फाइन मतलब संग मरमर पे फीते की तरह नक्काशी कर देनी तभी तो पैसे लगे हैं दैट इज वट मनी कैन यू मनी कैन बाई यू ताजमहल चार बिलियन डॉलर का है ये मोस्ट प्रोबली प्रोबेबली अप्रोक्सीमेटली उससे भी महंगा है अगर हम आज लगाएंगे तो और अब इसकी जो कल्चरल वैल्यू है वो तो इंटेंजिबल है उसके तो पैसे ही नहीं लगा सकते बट सिर्फ इसकी मटेरियल वैल्यू भी आज लगाएं तो चार से पांच बिलियन डॉलर तीस चालीस हजार करोड़ रुपए में बनेगा ये उस समय बनाया होगा जस्ट इमेजिन इफ यू आर ए बिलियन एयर अगर आपके पास एक बिलियन डॉलर है तो यू कैन ऑलमोस्ट हैव एवरी लग्जरी ऑफ है वर्ल्ड फॉर योर होल लाइफ वो था जो कि एक बिलियन पांच बिलियन डॉलर की तो एक बिल्डिंग बना डाली दैट रिच वॉज द एम्पर तो इलॉन मस्क के पास तीन सौ बिलियन डॉलर है ना अपने शाहजा के पास प्रॉबेबली अप्रोक्सीमेटली तीन हजार बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी होगी उस समय मतलब या फिर वेल्थ होगी अपार्ट फ्रॉम ताजमहल शाहजहाँ ने कई सारी बिल्डिंग और क्रिएट कराई ठीक है ताजमहल की तो खास बात ही है लेकिन एक्चुअली में जो हम याद रखेंगे वो क्या रखेंगे शाहजहां ही वो आदमी था जिसने रेड फोर्ट बनाया दिल्ली में नाउ इमेजिन ये रेड फोर्ट सीट ऑफ पावर रहती है फॉर द नेक्स्ट टू हंड्रेड एंड आज भी इवन टुडे आफ्टर फोर हंड्रेड जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं 15 अगस्त को उसी रेड फोर्ट पे ऑन आवर इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उसी रेड फोर्ट के ऊपर झंडा फहराते हैं लुक एट द इंपैक्ट दिस रेड फोर्ट मस्ट द लास्ट फोर हंड्रेड ईयर ओवर सिनेरियो ऑफ द इंडिया जामा मस्जिद इन दिल्ली जो बना ये हमारे शाहजहां के द्वारा शालीमार बाग बनाया है लाहौर में एंड सिटी ऑफ शाहजहांबाद वट इज दिटी ऑफ दाजाबाद इसके साथ साथ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपने पीकॉक थ्रोन के बारे में भी सुना होगा बहुत ही जजबाती लेवल का मेट, मेटल वर्क किया गया है बिल्डिंग्स देखते हैं हम सबसे पहले यह है हमारी रेड फोर्ट दिल्ली में सच एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग आज भी टूडे ऑल्सो इट्स ए सिंबल ऑफ पोलिटिकल पावर मुनारकी खत्म हो गई है ब्रिटिशर्स आके चल गए 200 साल हो गए हैं ब्रिटिशर्स 200 साल रहे और वो उनका खत्म हो गया 70 साल खत्म हो गए एंड स्टिल द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज स्टिल अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पावर ये है जामा मस्जिद दिस इज द शालीमार बाग व्हिच इज इन लाहौर नाउ उस समय तो लाहौर पाकिस्तान सब सेम था मुगलों के लिए शाहजहाँबाद इज बेसिकली द ओल्ड दिल्ली यस शाहजहाँ इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द सिटी ऑफ द दिल्ली वो जो पूरा का पूरा जो है, द ओल्ड सिटी ऑफ द दिल्ली द वर्ल्ड सिटी एज इट इज कॉल्ड पुरानी दिल्ली जिसे कहते हैं ना जब आप वर्ड सुनते हैं पुरानी दिल्ली तो उसमें जो जो बड़े बड़े लेजेंडरी एरियाज जो हैं वो शाहजहां ने बनाए थे वर्ल्ड सिटी शाहजहाबाद का मतलब होता है पुरानी दिल्ली पुरानी दिल्ली ये वही एरिया है जहां पर चांदनी चौक है

दरियागंज इसी एरिया में आता है दिस वॉज द शाहजहा सिटी विच इज इपीटमी ऑफ द इंडो आर्किटेक्चर. अब ओवर पॉपुलेटेड हो गई है एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ दिस शाहजहां मुगल आर्किटेक्चर या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो सबसे क्लाइमैक्स का टाइम है दैट इज द

अंकल चाहते तो बिल्डिंग ये भी खड़ी कर सकते थे बट ही वॉज मोर पैशनेट अबाउट इसको था कि साउथ इंडिया का जो डेक्कन एरिया मेरे को ये कब जाना है मैं पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया मुगल एम्परर के अंदर आता है इन्होंने ये नहीं सोचा नो ये दिल्ली छोड़ के शाहजहाँ छोड़ शाहजहाबाद जो सिटी है जो पुरानी दिल्ली है ये बना था 1648 में सोलह सौ सिक्सटीन हंड्रेड फोर्टी टाइम जब किला मुबारक रेड फोर्ट को किलाए मुबारक कहते हैं किलाए मुबारक के अंदर पहली बार शाहजहाँ एंटर करते हैं And in 1681 औरंगजेब दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं साउथ की तरफ नवर टू कम बैक ठीक है 1681 में वो चले जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं पर अपने युद्ध के कैंपेन करते रहते हैं इन्होंने खास इंटरेस्ट नहीं लिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लेकिन दी एम्पर वंस इन वाइल एज फार हैपन इट है औरंगजेब ने अपनी बीवी का मकबरा यानी इनकी वाइफ थी बेगम राबिया उद दौरानी उनके लिए एक टूम बनवाया था मोजोलियम बनवाया था जिसको कहते हैं बीबी का मकबरा अब ये औरंगाबाद में सिचुएटेड है दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट इज द बीबी का मकबरा और सही शब्दों में कहूं तो गरीबों का ताजमहल पुअर पीपल वेरी पुअर इमिटेशन ऑफ मतलब मन ही नहीं था सर का तो बनाया भी उन्होंने बिल्कुल अपने मन की वजह से लुक एट इट दिस दिस इज वट इट इज ये ताजमहल है विच इज दॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड फेमस है ये और ये औरंगजेब ने उनके पुत्र ने बनाया है ये एक एक काम पापा ने ये एक काम बेटे ने किया हुआ है और ये औरंगजेब ने बनाया हुआ है बीबी -बी का मकबरा ये दोनों ने अपनी अपनी वाइफ के लिए बनाया तो देख सकते हैं कि किसको आर्ट में क्या इंटरेस्ट था औरंगजेब भी लाइक बना दो जैसा भी चल रहा है पैसे ले लो और बजट ये है इतने में जितना कर सकते हो कर लो उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि नया आर्किटेक्ट ले ले लाइक like कि पुराने निकालो जैसा वो ताजमहल है वैसा ही कुछ हल्का फुल्का लगा दो बिल्कुल एकदम देखते ही पता चलता है कि प्यार मोहब्बत में नहीं बस मजबूरी में बनाया पड़ा है कि मेरी वाइफ है हम टूम तो बनवाना ही है तो बना दो बीबी का मकबरा दिस वॉज वट और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में था नहीं वो लड़का थोड़ा रेडिकल आदमी था वार लड़ाई इन्वेजन तो चीजें तोड़ने में यकीन रखता था तो बनाने में यकीन नहीं रखते थे औरंगजेब जी एम साफ साफ क्लियर दिखता है कि जब उन्होंने बनाया तो ऐसा बनाया कि गरीबी भी छलक गई ये ये एम्प्रर के काम है देखो इसको देख के लगता है कि ये एम्पर ने बनाया है दिस इज वट एम्पर डून यू सी लुक एट दाजमे लाइक यस आई कैन सी एन इन एम्प्र और यहां पर देख के फीलिंग आती है ये ये एम्प्रर के काम है रियली दैट्स इट इज ठीक है ये था हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में स्पेसिफिकली Uh, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं यू नो बिल्डिंग्स बनाने में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उसको हमें थोड़ा सा याद करना है दैट इज वट इज इंपॉर्टेंट एंड अलग अलग डायनेस्टी में जो जो बिल्डिंग्स बनी हैं यू हैव टू रिमेंबर उन सब के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है ठीक सब है सबके अंदर कैलीग्राफी है सबके अंदर आर्ग्ड आर्क्स इंट्रोड्यूस की गई हैं सो फीचर्स सबके कॉमन है जो हमने स्टार्ट में किए थे बट अलग अलग डायनेस्टी के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स बनी थी उनको स्पेसिफिकली याद रखना एंड देन देर आर कि पर्टिकुलर जैसे अकबर ने एक स्पेसिफिकली ट्यूडोर स्टाइल ऑफ द आर्क को इंट्रोड्यूस किया था या फिर रेड सैंड स्टोन एक स्पेसिफिकली खिलजी डायनेस्टी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दो स्पेसिफिक थिंग्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दैट इज इट आई होप यू लाइक द लेक्चर तो मुझे लगता है कि अगर जहांगीर कि प्यार मोहब्बत में दिल नहीं टूटता तो प्रॉबेबली बिल्डिंग है तो वो भी अच्छी बना लेता हाउ एवर इट वॉज शाहजो डेड इट आई विल सी इन द नंबर नाइस डे